Hello and welcome to Credible Academy. This is Mohsen Ahmed. I am trainer and founder. Today let's have video tutorial of 3D simple room door creation in AutoCAD. Okay, let's have a look. सबसे पहले हम यूनिट सेट कर लेंगे. यूनिट्स, आर्किटेक्चर, प्रेसिशंस हम अभी फिलहाल 1 by 2 ले लेंगे. ठीक है, यूसीएस नाउ, डायमेंशंस मॉडिफाई, लाइंस का कलर जो है वो रेड एंड देन एक्सटेंशन कलर येलो, टेक्स्ट का कोई कलर नहीं है, हम यहाँ पर 2 feet में रखेंगे. प्राइमरी यूनिट्स जो कि हमने वहाँ पर आर्किटेक्चर लिया है, प्रेसिशन 1 by 2 लिया. ओके, सेट करन, क्लोज. क्लियर है? तो फर्स्ट हम आज जो देख बनाएंगे वो डोर का एक प्लान बनाएंगे. ठीक है, यहाँ पर है हाफ 8, इसको कर लेते हैं 3.5 feet. Z enter, A enter, and then 7 feet. Offset लेंगे. Offset 3 inches का offset लेंगे. फिर से हम क्या करेंगे, एक मिड पॉइंट पे एक लाइन बनाएंगे. फिर मैं यहाँ पर, मेरे पास एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी टूल होता है. मैंने कलर तो कर दिया ये, लेकिन हाँ, क्योंकि ग्रे शेड आएगा, प्रॉपर नहीं आता, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मैं यहाँ से इसको सब्ट्रैक्ट करूँगा. अभी 2D में आकर किसको सब्ट्रैक्ट करूँगा, ये वाले इसमें से इसको 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 और इसको. अब अगर आप इसे देखेंगे तो ये सिर्फ एक फ्रेम दिखाई देगा. के लिए हमने अंदर के फ्रेम्स के जो पैनल्स हैं ये कॉपी किए थे. अब मैं इनको क्या करूँगा, अब मैं इनको यहाँ पर एक्सट्रूड करता हूँ. पहले तो 1.5 का करूँगा मैं इसको, क्योंकि हमेशा आपने देखा होगा ये तो इसको मैंने किया 1 inches. ठीक है, अब 2D में आकर, हाँ जी, पहले इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको कलर चेंज कर देता हूँ. यहाँ पर ब्राउन कलर ले लेता हूँ, इसको ब्राउन से भी थोड़ा और दूसरा कलर ले लेता हूँ. ब्राउन तो हमने इसको लिया था, यहाँ पर थोड़ा लाइट कलर ले लेता हूँ इसको. और अब क्या करते हैं, इन सबको सेलेक्ट करके मूव कर लेता हूँ. अब मूव करने के लिए मुझे इसे उठाना पड़ेगा. देखिए, जो जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है, पहले सेलेक्ट करना है। अब इसे उठाना कहाँ से है? इसे उठाने के लिए ना मिड पॉइंट लेना है आपको हमेशा। ये जो थिकनेस दी है उसका मिड पॉइंट। हाँ जी, से मैंने इसको उठा लिया, उठाकर इसके मिड पॉइंट पे रख देना है मेरे को, तो मिड से मिड पॉइंट पर वो टच हो गया। क्लियर है? अब अगर मैं इसको देखता हूं जाकर, तो मुझे अब वो जो प्रॉब्लम आ रही थी ना पहले, वो नहीं आएगी। सर हमने जो थिकनेस पे फर्क दिया है, वो कैसे दिखेगा? वो ये है ना। अच्छा, वो यहाँ पे अब दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। एक बार क्लियर है? बन गया एक डोर सिंपल। अब इसी तरह आप अलग अलग डोर के डिजाइन कर सकते हैं। कुछ डोर ऊपर से राउंड होते हैं, ठीक है ना, और कुछ डिजाइन्स जो है मैं ये आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, जो उसका प्रैक्टिस आपको बेसिकली कर लेना है। डिफरेंट टाइप के बहुत इजी है, जैसे हमने ये आर्किटेक्चर किया है इसका डोर का, सेम वैसे ही आपको यहाँ पर कर लेना। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल होता है, अगर आपको ये प्रैक्टिस करना है तो पहले आप पेंसिल से स्केच बना लें और फिर उसको बेसिकली फिगर आउट करें कि आपको फ्रेम किसको रखना है और अंदर क्या आपको बेसिकली प्रोवाइड करना है। एक ये नया डिज़ाइन मैंने यहाँ पर दिया है, वॉल के साथ आप बेसिकली इसके साथ अटैच करें, ठीक है ना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।